fine. Hi, Wan Islam, how are you? Congratulations. Thank you so very much. Thank you so very much. I'm so happy. Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? हमेशा बढ़िया ही रहे आप लोग. प्लीज भाई थोड़ा और इधर आ जाइए. एक्चुअली ममता शर्मा एक ऐसा नाम है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स फुल बंडल ऑफ सरप्राइजेज, यू नो, बिकॉज शी हैज सिंस द टाइम आई नो हर, और जब से इनके साथ गाने करना चालू किया है, मतलब एक कमाल की एनर्जी शी ब्रिंग्स व्हेन शी कम्स टू सिंग. सो और मैं हमेशा इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी गाना गाएँ या ये भी गाना गाएँ. तो जो भी गाने इन्होंने गाए हैं, मतलब ये ऐसा है कि अभी तक के जितने गाने गाए हैं वो सारी पार्टी की जान है. सो फुल ऑन पार्टी अगर करनी है तो ममता शर्मा के गाने बजाने ही पड़ते हैं आपको. ममता शर्मा के गाने विद साजिद वाजिद पसंद वो है. तो शी इज ब्रिलियंट सिंगर एंड विद अ वेरी यूनिक टोन स्टाइल, यू नो, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोगों का टोन होता है. तो मैं यही कहूँगा कि आज इनका सिंगल लॉन्च हो रहा है वन म्यूजिक ओरिजिनल्स पे विद सच ब्यूटीफुल पीपल, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने गाना देखा है, सुना भी है और मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ममता एंड बैड ऐश, बिकॉज यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने कर रहे हैं. ममता के जो ओरिजिनल्स भी हैं और ममता के जो वर्जन्स भी आते हैं वो सब मैं सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं. एक अच्छी बात है बिकॉज शी इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर वॉइस इन अ डिफरेंट स्टाइल. सो एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा यही एक्सप्लोर करता है कि मैं कुछ नया करूं तो क्या बात बनेगी. तो बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ आ रहा है. इनके सिंगल्स तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ दबंग 3 भी आ रही है. तो ममता को मैंने गाना गवाया उसके अंदर, तो वेट एंड वॉच, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे. फिर धमाल करेगी, फिर पार्टी की जान बन जाएगी. मैं चाहता हूँ सब लोग मिल के दुआएँ करें कि ममता का ये सिंगल और आप लोगों का ये सिंगल कामयाब हो एंड यू गाइज हैव अ full success story. Thank you very much. Thank you guys so very much. Kidhar hai? Aur idhar? Aur saath mein aap log jo hai abhi launch kar rahe hain. Center koi bhi hai. Ye sab abhi aaya. Matlab aa jao. श्रवण अंकल को बोल दे, ममता मैं यूट्यूब पे तो ऑलरेडी देख रही सब लोग. हाँ तो क्या हुआ, अभी लॉन्च किया है 8:30 बजे. मैंने सुना 200-300 के हो गए ऑलरेडी. हाँ तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? नहीं मेरे को नहीं, मैं खुशी हो रही इतने फटाफट. ओ ये गाने जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो बताना किस तरफ है. वन म्यूजिक ओरिजिनल अपनी चैनल. क्या बात है. जी कुछ कहें श्रवण जी. सबसे पहले तो मैं ममता जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, नदीम और श्रवण दोनों की तरफ से. और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम है डिजिटल म्यूज़िक में. वैसे ममता जी को तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपना नाम खुद बनाया है और इंडस्ट्री में एक बॉम्ब विस्फोट जैसे होता है ऐसे वो विस्फोट की तरह आई हैं और इंडस्ट्री पे छा गई हैं. और आज करीब करीब 15-20 साल आज हो चुके हैं और आज भी उसी पावर में हैं ये. और आज भी जो है वो आइटम सॉन्ग जहाँ भी बनता है
सबसे पहले नाम ममता जी का लिया जाता है। वो और बात है कि ममता जी ने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया है, वो इंस्पायर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, वो अब बहुत ज़्यादा गाती नहीं है आइटम नंबर्स, लेकिन मैंने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखिए अगर आप आइटम नंबर्स नहीं गाएंगी तो धीरे धीरे आइटम नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं आजकल कि बिल्कुल आइटम नंबर्स बहुत ही कम हो गए हैं, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कंटिन्यू रखें और साथ में अपना जो इमोशनल सॉन्ग्स जो हैं, सैड सॉन्ग्स जो हैं, माँ के लिए जो गाना बनता है, फादर के लिए जो गाना बनता है, मैं चाहूँगा कि ये ट्रैक भी इनका चलता रहे। और आज यारा के लिए मैं उनको नदीम श्रवण दोनों की तरफ से, संजीव दर्शन की भी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ और बहुत आगे बढ़े, बस यही दुआ करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, I just saw the song and it's super super amazing and Mamta ji jabhi bhi aati hai magic leke aati hai and she's one of the most versatile and my favorite singer and by the way he is the person jinhone mujhe digital ki duniya mein dhakela hai mera first single jo tha Rajraj Akhiyan Roya was because of him and inhi ka music tha wo so thank you for that all the thanks thank you Ramji Okay, okay. About the song, it's such a beautiful looking song, yeah. मतलब like I was telling before, back to the memory lane. School वाला पूरा scene. पूरा school नहीं था. I guess मुझे आया था इसलिए ये गाना आया. Yeah. अभी आपको भी आया. बिल्कुल. तो आपकी कौन थी वो teacher? I would love to know. मेरे केस में teachers थी. मेरे केस में students का ऐसा नहीं था कि मैं ना boys school में पढ़ा. But there was one good thing कि मेरा boys school था, बीच में ground और दीवार, उस पार girls school था। तो वहाँ से चढ़ के? तो हम लोग वहाँ बार-बार football वहाँ मारे, वो वाला सीन था। Football से याद आया होगा? अरे basketball से आपको कुछ याद होगा? तो होगी ना। Wow, so Mamta Sharma, पहली यार ये बहुत beautiful सा दिखने वाला school भी है, वैसा भी short exactly। Teacher ने भी ना आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एमपी के अंदर एक स्कूल है कॉल्ड एमराल्ड हाई इंटरनेशनल स्कूल, ओके, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। या सच अ ब्यूटीफुल लुकिंग स्कूल है, मतलब मैं थोड़ा सा जेलस हो गया, मेरा स्कूल ऐसा नहीं है, पूरा हैरी पॉटर वाला फील है। हां, से कैसल मैं मैजिक भी करता हूं। आई वुड लव टू सी यू मैजिक आफ्टर दिस। वुड सी अ मैजिक? यस, डेफिनेटली। सो गाइस, एनीवन इंटरेस्टेड टू सी मैजिक, मैं दिखाते रहूंगा, आई विल बी अराउंड, यू गाइस कैन लाइक कम टू मी, बिंदास होते। पर उससे पहले मैं कुछ लोगों को स्टेज पे यहां डेफिनेटली जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है, जिनको देख देख के मैंने ये जो थोड़ी सी गाने की कोशिशें की है। मेरे स्कूल में से टीचर भी नहीं थी यार, मैं तो सोचा। अच्छा, इफ यू वर अ टीचर, आप क्या पढ़ाते मुझे बोलो? म्यूजिक। वाह, ओ परफेक्ट आंसर। म्यूजिक ही पढ़ाते थे, और मुझे भी यहां भी लग रहा था कि म्यूजिक ही पढ़ा रहे हैं, पता चला। अगर आप मेरे म्यूजिक टीचर होते तो शायद मैं कुछ अच्छा गा लेता। Ah, that is another kind of music. So let's call upon Mr. Sajid Bhaji. Please, Sameer sir. Sameer sir, aye. Aye sir, Sameer sir. Sameer and Ramji is here. I'm so obliged. Thank you, sir. Sir, do shabu di yaar. Sajid bhai, Sajid bhai. लाल नीचे कर लाइट। ए टूट जाएगा। हेलो वेलकम। फेस लाइट नहीं है भाई, पिछाना पड़ेगा भाई। कौन बोला पैक? बहुत बोलते हो नहीं, जैसे मित्र ऐसे शूट कर चले जाते, 10,000 मित्र नहीं काम होता है। बोल दो शब्द आपके यार।
यहाँ आए तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयाँ, और सबसे खुशी इस बात की है कि ममता शर्मा जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बहुत कमाल की गाती है, बहुत अच्छी इंसान है, और बहुत ये वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि सच मत कर बॉडी बॉडी ममता बहुत कुछ डिजर्व करती है। सिंगिंग तो है, सिंगिंग के साथ लिखा भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और मेरी तहे दिल से। अभी समीर सेन को दूंगा तो सुनिएगा उनकी बातें, मैं ख़त्म कर लूँ तो मेरे ख्याल से आज के इस मौके पे इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। केवल बधाइयों के सिवा मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ा हिट होना चाहिए एल्बम, बहुत मेहनत की है और इस जनरेशन को बहुत पसंद आएगा ये रंग, और ख़ासतौर से फ्रेंडशिप डेट पे रिलीज किया जा रहा है एक, इसके साथ ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ममता, गॉड ब्लेस यू एंड दिस इज द वन ऑफ द योर बेस्ट वीडियो आई एम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राजीव जी, श्रवण जी, इस श्रवण जी यार रह गया तो आ जाओ यार स्टेज पे, थोड़ी कमी है अभी, ममता जी परेशान हो रही है। आ जाओ नहीं नहीं आ जाओ हम लोग वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम, पूरी रात अपनी अपने को पार्टी करनी है, मजे लेने हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप के ऊपर है गाना। सबसे पहले तो इन खूबसूरत चेहरों के लिए ताली हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। यू गाइस आर ऑसम, यू एक्टेड सो वेल इन द वीडियो, यू गाइस आर लुकिंग वेरी नाइस, ममता यू हैव सांग सो वेल एंड यू आर लुकिंग ऑसम एज यूजुअल। और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ है बट आई थिंक बड़ा स्पेशल होता है यारी के ऊपर जो गाना होता है, मैं गाय के लिए ऑलवेज जैसे एक एल्बम आया था यार और दोस्ती, केके ने गाया था, मैं मांगा नहीं, हमेशा बहुत पसंद है, मैं हमेशा केके को और जैसमिन को लगा हुआ सुनता था, आई ऑलवेज से दैट यू नो आई एम सेड टू पूछना फोन करके वन डे फॉर दैट सॉन्ग, ये जॉनर के ऊपर शूट कर रहा हूं, बाद में करता है ऑन हमारा बैडश क्या नाम है ना, नाम भी ढूंढ के रखा है, और हरकतों से बिल्कुल बैठ नहीं है, इनकी हरकतें देखिए देखिए बैड एश हैं बिल्कुल हमारे, अरे और भी कुछ बोल दीजिए, क्यूट एश हैं ममता जी, तो ऑलरेडी लट्टू हुई भी अंदर सारे गाने बैड एश ही करते हैं, कोई हमारे नंबर ही बोलता है, प्राइवेट नंबर ममता जी हमारे पास नहीं है, बैड एश के पास ही है नंबर, बैड एश ने पहले से लगा रखा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी और साजिद भाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई प्रे टू अल्लाह दैट दे हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन देयर न्यू वेंचर, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट हमारे समीर साहब, ममता को बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं ये कहूँगा कि इतनी वर्सेटाइल सिंगर, मतलब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है, इनसे उन्नी बाबा गवा लो, इनको लता जी की वॉइस में गवा लो, आचा जी जैसा गवा लो, और ये जो ये इन्होंने एल्बम किया है इतना फ्रेश लग रहा है मेरे, और मेरा बेटा साजिद भाई जी से, मेरा बेटा सुहेल सेन ने बहुत इनको बधाइयाँ दी हैं, समीर सेन और सुहेल सेन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और ये हमारे म्यूजिक कंपोजर बैड एश तो बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू एंड यू ऑल। देखिए जिनको भी माइक दिया जा रहा है ना बड़ा अजीब सा लगता है माइक, तो नाम लीजिए और उनको माइक दीजिए, पारुल कुछ अरेंजमेंट अभी जी आपके लाइन है और आपके लाइन में बात नहीं कर नहीं नहीं आपका शबीर शबीर जी आपका एसोसिएशन बैड एश और बहुत बहुत सारी बधाइयां बहुत बहुत बधाइयां ममता, बहुत अच्छा गाना है, वेरी नाइस सॉन्ग, और भाई मेरे को मालूम नहीं था कि
I think everything is perfect. Manjul, Arshfa, Jazz, all have done an amazing job in the video. Mamta ji herself, a very good singer and a very good actor herself. So I think everything is just perfect and a perfect gift for everybody on this Friendship Day. So. Kumar Paji, Kumar Paji ji. Kumar. इस गाने की सबको बधाई क्योंकि मैं अभी अभी आया जब पीछे कदम में अपनी फैमिली से दम पूरी चढ़ते हो तो क्या बोले सबने बोला अच्छे ही बोले अभी अच्छे ही बोले थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग फॉर द स्टार्स फ्रॉम द टिकटॉक वर्ल्ड एंड यू गाइस हैव डन अ फैबुलस जॉब यार मंजुल मुझे बताओ हाउ इज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस लाइक सो जितना मजा आई गेस शूटिंग करने में आया लाइक जो मस्ती थी लाइक हम लोग आई गेस मैं रिश्वत से पहली बार मिला था जैसे से पहली बार मिला था एंड जो बॉन्ड ये दो दिन में बन गया था आई गेस दैट इज फैबुलस कि हम लोग लिटरली वहां पर जो है शूट के टाइम पे खेल रहे थे लिटरली बास्केटबॉल का सीन था जो उसमें है यहां देख के बात कीजिए बास्केटबॉल का जो सीन था सेंटर लो खेल रहे थे ओके हम शॉट देने से पहले आधा एक घंटा खेल ही रहे थे ऐसे अपना मजे ले रहे हैं खेल रहे हैं एंड दीज पीपल वर लाइक सो फ्रेंडली कि मतलब कोई रोक टोक नहीं बड़े प्यार से समझाना हर काम कहाँ पर रीटेक सारे तो वहाँ पर भी बड़े प्यार से समझाना सो इट वॉज ओवरऑल लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस थैंक यू थैंक यू